2018 में कई ऐसे दिग्गज नेता भी थे जिनको नम आंखों से पूरे देश ने दी श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई, वाजपेयी और करुणानिधि। साल 2018 में कई बड़े दिग्गज नेताओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनमें से कई नेताओं के निधन से देश और पार्टी को बड़ा झटका लगा। ये ऐसे नेता थे जो हमारे जहन में हमेशा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। राजनीति के करिश्माई नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 साल के थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को आखिरी सांस ली। अटल हिंदी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आए। भारतीय जनसंघ की स्थापना में अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका थी। वे 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। अनंत कुमार, 12 नवंबर को बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक अनंत कुमार का अचानक 59 साल की उम्र में निधन हो गया। अनंत कुमार कैंसर से जूझ रहे थे। कर्नाटक के अनंत कुमार के निधन से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अनंत कुमार पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कन्नड़ में भाषण दिया था। एनडी तिवारी, कांग्रेस के कद्दावर नेता एनडी तिवारी भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए। 18 अक्टूबर को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एनडी तिवारी ने आखिरी सांस ली। वे 92 साल के थे। एनडी तिवारी इकलौते ऐसे नेता थे जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के। इसके अलावा तिवारी आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे और उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र में वित्त और विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाला। एम करुणानिधि, तमिलनाडु में डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि का इस साल 7 अगस्त को निधन हुआ। करुणानिधि 94 साल के थे। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में करुणानिधि ने आखिरी सांसें ली। करुणानिधि के निधन से दक्षिण भारत के लोग गम में डूब गए, साथ ही देश भर में इस कद्दावर नेता को याद किया गया। सोमनाथ चटर्जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का 13 अगस्त को निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने से सोमनाथ चटर्जी ने 89 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 के बीच लोकसभा के स्पीकर रहे। 1968 में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सीपीएम नेता सोमनाथ 10 बार सांसद चुने गए थे।